हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज के इस नए ब्लॉग्स में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो है प्रकृति का नज़ारा आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं, दिखाने वाले हैं कि हम लोग इधर घूमने के लिए आते हैं तो प्रकृति का नज़ारा कैसा है। तो चलिए हम बैक कैमरे से आपको दिखाते हैं। तो कुछ इस तरह से प्रकृति का नज़ारा आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सूर्योदय, यहाँ से अभी सूर्योदय हो चुका है बट यहाँ पर बादल की वजह से ढका हुआ है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर दिख रहा है आपको, और मैं आपको चारों तरफ का नज़ारा दिखाता हूँ किस तरह से यहाँ पर पेड़ पौधे आपको देखने को मिल जाएंगे। ये बांध है, छोटा सा तालाब पोखर, देख सकते हैं किस तरह से हरियाली यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। हमारे क्षेत्र में झारखंड में दोस्तों खजूर का गाछ और ताड़ का गाछ अत्यधिक मिलेगा आपको देखने के लिए। बहुत सारे खजूर के पेड़ में तो पक भी गया है उसका फल, मैं आपको जूम करने करके दिखा देता हूँ। देख सकते हैं बहुत सारे पेड़ में पक भी गए हैं खजूर, और ये सब अभी छोटा है तो इसमें अभी पका हुआ नहीं है। तो कुछ इस तरह से हमारे इधर हरियाली है, और भी मैं आगे आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों, ये मेन रोड है और यहाँ पर देख सकते हैं ये नहर है, तो नहर का नज़ारा आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा। अभी फिर से नहर की खुदाई होने वाली है और चारों तरफ जो है इसमें पत्थर वगैरह लगने वाला है। तो कुछ इस तरह से हमारे इधर नज़ारा है, आप देख पाएंगे। ये हमारा जो है मेन रोड है, इससे से लोग आते जाते हैं। कहीं कहीं एक दो घर बना हुआ है, आप देख सकते हैं अभी इसमें रहते नहीं हैं। दोस्तों, अभी एक कमाल का चीज़ दिखाता हूँ आपको, अभी रोड पर ही देखने को मिलेगा। आप लोग आगे देखिएगा, देखिए वहाँ पर दूर में कुछ दिख रहा होगा आपको, किस तरह से बीच रोड पे हैं डॉगी लोग, आराम फरमा रहे हैं किस तरह से लेट लेट के। ये देख सकते हैं नज़ारा, तो इस तरह से कुत्ता सब जो है आराम से बेफिक्र होके मस्ती करते हैं, लेट जाते हैं रोड में, देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर भी मशरूम बहुत सारा दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है ये मुस्लिम का, ये क्या कहते हैं इसको, हम लोग का हिंदू में तो शमशान घाट कहता है, ये सब का मकबरा क्या है पता नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बगल में है, और यहाँ पर देख सकते हैं मैदान में कितने सारे जो है यहाँ पर मशरूम दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ से हम लोग नहीं लेके जाएंगे, हम लोग को अच्छा नहीं लगता है ये शमशान घाट से ले जाना। तो यहाँ पर देखकर मन खुश हो जाता है, आप देख सकते हैं दूर से कितना वाइट वाइट कलर दिख रहा है। चलिए और भी कुछ दिखाते हैं आप लोगों को। रोड में जगह जगह गड्ढे पड़ गए हैं बड़े बड़े गाड़ियाँ चलने से, और ये भी टूट फूट गया है, आप देख सकते हैं इसका रिपेयरिंग जो है नहीं किया जाता है, ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। रास्ते में कुछ गिर गया होगा किसी का, तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ कुत्ते सब जो हैं यहाँ पर उसको चाट रहे हैं। अब ये आटा हो सकता है, शायद आटा या सत्तू हो सकता है, कोई पिसवाने के लिए गया होगा तो रास्ते में किसी तरह से गिर गया होगा, तो वही ये लोग खा रहे हैं। दोस्तों, हम लोग अपने गांव का जो है, गांव के बगल में से एक नदी गुजरी है, हम इसका भी नज़ारा आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ से किस तरह से ढलान आपको देखने को मिलेगा, और नीचे ये नदी रहा। हम लोग इस नदी को डांड़ भी कहते हैं, आप लोग के उधर नदी को और भी क्या क्या कहते हैं पता नहीं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। हम लोग तो नदी को डांड़ भी कहते हैं। तो इस नदी में भैंस वगैरह नहाया जाता है, पटवन भी किया जाता है जब पानी आता है, और ये जो है ये बलिया पुल है, जब पूरा पानी आता है तो इसमें जो है पुल के ऊपर से पानी जाना स्टार्ट हो जाता है, इसीलिए ये पुल जो है टूटता नहीं है, इसके ऊपर से ही पानी चलना स्टार्ट हो जाता है। तो कुछ इस तरह से देख सकते हैं ये नदी छोटा सा। तो आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।